हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले प्रैक्टिस सेट 3 और आपके एग्जाम के लिए काफी एक महत्वपूर्ण होती है। हालांकि गाइस, पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे और मैं नॉन टेक वाला पार्ट देखता हूँ काफी समय से, तो मैं आप लोग के लिए नॉन टेक वाला पार्ट ही डिजाइन करूंगा। और एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं। तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड को भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। एंड पहला क्वेश्चन देखिए गाइस, भारत में 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? गोवा में, या बंगाल के हुगली में, या आरकोट में, या सूरत में? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सूरत हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि गाइस, अंग्रेज काफी सारा और भी फैक्ट्री लगाई थी अगर हम यहाँ पे देखें, लेकिन आपको याद क्या होना चाहिए? जैसे कि बिहार का एग्जाम है तो आपको बिहार से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। पहले बंगाल का ही पार्ट बिहार हुआ करता था यहाँ पे, तो हुगली में लगाई थी, ये याद रख, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे थे। थोड़ा सा उड़ीसा को भी याद रख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आप देख लीजिए, पहली फैक्ट्री 1608 में जो कि अस्थायी रूप से गैस सूरत में लगाई थी, जिन्हें बाद में बंद कर दिया गया। फिर गैस मुस्लिमपुर पटना में लगाती जो कि परमानेंट एक पहली अस्थायी फैक्ट्री होती। कई बार एग्जाम इस रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहली अंग्रेज के द्वारा अस्थायी फैक्ट्री कौन सी होती है, 1611 में जो कि गैस मुस्लिमपुर पटना में लगाई जाती है। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं कोई फिजूल की चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं किया। यहाँ पे सूरत में बात करें गैस, फिर से मतलब 1608 में तो नहीं लगा पाया था, फिर 1613 में लगाई थी सूरत में। ये तीन याद रख लीजिएगा, इनके बाद आप ये याद रख लीजिएगा, उड़ीसा को याद रखिएगा, बालासोर में लगाई थी यहाँ पे 1633 में, और ये काफी एक महत्वपूर्ण हुगली में कई बार एग्जाम में पूछा गया, बिहार के कई सारे एग्जाम यहाँ पे। तो बंगाल की जो पहली फैक्ट्री थी गैस हुगली में लगाई गई थी 1651 में, ईयर भी याद रख लीजिएगा यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 2, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस बंगाल में जो दृढ़ शासन प्रणाली है किसके द्वारा लागू किया, तो वारिंग हस्टिंग के द्वारा, या लॉर्ड विलियम वेंटिंग के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा? आंसर हो जाएगा इस लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इमेज से देख लीजिए, ये है गैस रॉबर्ट क्लाइव। हालांकि इसका जो इसका शासन काल बात गैस 1725 से लेकर 1774 होती है। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि इसके शासन काल के दौरान कौन कौन सा एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो कि आपके एग्जाम की वजह से काफी एक महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्या कहते हैं, अवध के जो नवाब था शुजाउद्दीन और मुगल सम्राट शाह आलम के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि और बंगाल में दृढ़ शासन की स्थापना किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है गैस, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार के कई सारे एग्जाम है यहाँ पे, तो आप लोग के एग्जाम की व्यू से भी काफी एक महत्वपूर्ण पॉइंट होने वाली है। इनके अलावा गैस जो बंगाल में ना नायब सूबेदार मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया था यहाँ पे, उड़ीसा में गैस राय दुर्व राय को नियुक्त किया था, और बिहार तो बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण है, राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। कई बार कन्फ्यूजन कर देगा, मैं मॉक टेस्ट भी आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड लाऊंगा, थोड़ा सा संयम रख लीजिएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग के लिए क्लास भी स्टार्ट की, जिसमें आपको काफी सारा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, जो भी आपका नॉन टेक से रिलेटेड है सारे के सारा मिल जाएगा आपका, चाहे हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी, ज्योग्राफी है, एंड थोड़ा बहुत आपका कंप्यूटर का भी क्वेश्चन पूछा, या पीडीएफ सेक्शन है जिसमें आपको कई सारा पीडीएफ मिल जाएगा, जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है वो सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ये 700 है, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए हम कुछ स्टूडेंट के लिए 500 कर रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, VSPHCL यूज करिएगा, तो ये 500 हो जाएगा, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हो, A to Z चीज, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम आपके साथ होने वाले हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन देखिए गाइस, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? 1911, 1904, 1906, 1907, 1911 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन 4 देखिए गाइस, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जो बिहार में, बिहार के निवासी थे? यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या? नहीं, ये तो गैस बिहार के प्रथम प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम किए थे यहाँ पे, एस राधा कृष्ण गैस, हालांकि एस राधा कृष्ण बताया उपराष्ट्रपति के रूप में काम किए थे पहली बार यहाँ पे, है ना, बाद में इन्हें राष्ट्रपति भी बना दिया गया था। यहाँ पे आपको याद हो जाएगा गैस राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, जो कि बिहार से थे, और मैंने राजेंद्र प्रसाद के बारे में काफी महत्वपूर्ण पॉइंट मेंशन किया जो कि आपके एग्जाम की वजह से काफी एक महत्वपूर्ण है। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले में होता है, ये भी याद रख लीजिएगा, और संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष होते हैं। कई बार एग्जाम पूछ रहे थे संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन होता है, तो आपके ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद होते हैं, तो टिक लगा लीजिएगा। जब हम इसी एग्जाम में 500 में ही हम क्या करेंगे, आपका मॉक टेस्ट भी हम आप लोग के लिए डिजाइन कर देंगे, क्योंकि हम एग्जाम तक साथ होने वाले हैं, तो ये मॉक टेस्ट काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट भी हम खुद ही सेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम आप लोग के लिए एक्टिव हमेशा रहें,
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, कैसे राजेंद्र प्रसाद थे यहाँ पे, जो कि अभी हम क्वेश्चन सीट के थे यहाँ पे, और संविधान सभा का संचालन समिति के भी अध्यक्ष रहे थे राजेंद्र प्रसाद, और सर्वप्रथम भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था राजेंद्र प्रसाद को, और प्रसिद्ध पुस्तक लिखा गया था इनके द्वारा, जैसे कि इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। भारत के पहले राष्ट्रपति लगातार 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति रहे थे, तो ये भी बातों को आप जानकारी रख सकते हैं अपने एग्जाम के व्यू से यहाँ पे। एंड 5 क्वेश्चन देखे गए, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था। अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंधर्व तिलक के बारे में आपको याद है, जो 1916 होम रूल लीग की शुरुआत बाल गंधर्व तिलक और एनी बेसेंट ने किया था, तो ये एक जानकारी रख सकते हैं। लाल बहादुर शास्त्री आपको याद है, सेकंड प्राइम मिनिस्टर के रूप में भी काम किया है, तो ये भी बात अपने एग्जाम के व्यू से एक्स्ट्रा के रूप में जानकारी रख सकते हैं यहाँ पे, है ना। एंड गाइस 6 क्वेश्चन देखे गए, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह जो है निम्न में से कौन सा था, लोटा सत्याग्रह, जी नहीं, चंपारण सत्याग्रह, बिल्कुल। एंड चंपारण सत्याग्रह गैस 1917 में देखने को मिलती, कहाँ से गैस, बिहार में देखने को मिलती, बिहार में कहाँ से, चंपारण में देखने को मिलती है यहाँ पे, है ना, तो ये भी बातों को जानकारी रख लीजिएगा, और इसमें गांधी जी का जीत होती है यहाँ पे। एंड 7 क्वेश्चन देखें, अगर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, फेफड़ा में, हृदय में, या छोटी आंत में, या किडनी में, तो किडनी में होता है, डी करेक्ट आंसर जो बेसिक क्वेश्चन है, और ये कुछ किडनी का इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्टर्न ब्लड जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मूत्र मार्ग के द्वारा निकल जाता है ना, जिसको यूरिन वगैरह बोलते हैं यहाँ पे। एंड 8 क्वेश्चन देखे गए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 8 यहाँ पे, गतिज ऊर्जा, टेक्निकल स्टूडेंट होंगे तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक मतलब एक्सप्लेन करिए यहाँ पे, तो गतिज ऊर्जा वाला फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv² होता है, तो 1/2 mv² डी में है, तो डी को टिक लगा के चले जाएगा। एम को क्या बोलते हैं यहाँ पे, मास बोलते हैं, कई बार न्यूमेरिकली पूछ लेते हैं। वी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं यहाँ पे। अब कभी कभी एग्जाम है ना, मास दे देगा, वेलोसिटी दे देगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लिया जाएगा, या कभी वेलोसिटी दे दिया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी दे दिया जाएगा, मास पूछ ले, इस रूप में भी क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकते हैं यहाँ पे, है ना। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, अब डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करता है किस पार्ट को प्रभावित करता है, आंख को क्या करता है, जी नहीं, यह करती मतलब लीवर को करता है, अग्नाशय मतलब पेन क्रिया करता है, जी नहीं, इन सबको नहीं करता है, गला को करता है, डिप्थीरिया का बीमारी हो जाएगा। थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको पहचान, यहाँ पे देखिए ये जो व्हाइट व्हाइट देखना ना, ये गला के पास होती है, ये डिप्थीरिया का एक सिम्टम्स है यहाँ पे। नौ क्वेश्चन 10 यहाँ पे हम लोग बात करें, 10 क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलना, कूदना, फेंकना और गिरना जैसे जो गतिविधि होते हैं उसको क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं, या स्थिति ऊर्जा, या शक्ति, या कार्य, तो क्या कहते हैं इसको, गतिज ऊर्जा कहते हैं यहाँ पे, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, एकदम बेसिक क्वेश्चन आप रिलेट कर सकते हैं। आप देखिए 11 क्वेश्चन को भी आप रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि चीनी का घोल है, अब मान लीजिए कोई चीनी का घोल है, जैसे कि मिठाई वगैरह बनाते हैं यहाँ पे, तो चीनी का घोल है पे, तापक्रम मतलब टेम्परेचर मान लीजिए उस पर दीजिएगा, मिठाई वगैरह जब बनाते हैं, चीनी जब डालते हैं कढ़ाई में, और टेम्परेचर जैसे होता है, तो वो क्या उसका बिलियता क्या होता है, तो वो पिघल ज्यादा जाती है ना, बिलियता बढ़ जाती है, घटती नहीं बढ़ती है, बी करेक्ट आंसर जाएगा। एंड गैस यहाँ पे सी और डी नहीं हो जाएगा, बी को टिक ला के चले जाएगा एकदम। इस क्वेश्चन को आपको है ना, क्वेश्चन को गैस अपने डेली लाइफ से आप रिलेट करके कर सकते थे। 12 क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार या 8 प्रकार, 8 प्रकार का मिट्टी पाई जाती है, डी को टिक ला के चले आइएगा। हालांकि 8 प्रकार का मिट्टी का नाम याद रख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जैसे कि जलोढ़ मिट्टी हो गई, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, दलदली मिट्टी, तो ये सब मिट्टी का नाम अपने अकॉर्डिंग आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे। एंड 13 क्वेश्चन देखिए गाइस, जैसे कि अब मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जैसे कि भाषा का जो उल्लेख है और दल बदल निरोध जो अधिनियम है उसको किस दल बदल जो कानून है उसको किस अनुसूची में रखा गया है, तो 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची क्या है गाइस, तो 2 का A1 हो जाएगा यहाँ पे, और भाषा का उल्लेख 8वीं में रखा गया है, तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, 1 का क्या है गाइस, 2 यहाँ पे है और B का 1 यहाँ पे है, ठीक है, और कहीं तो आप दिख नहीं रहे हैं तो बी को टिक ला लीजिएगा पे, है ना। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे आप खुद पे खुद ये संविधान से रिलेटेड, इन्हें भी आप अगर थोड़ा बहुत भी अनुभव होगा संविधान का तो इस क्वेश्चन को भी आप करके चलिए, क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी भाई एग्जाम में कंपटीशन आजकल ज्यादा हो रहा है, तो क्वेश्चन हर तरीके से घुमा के पूछ लिया जाता है। 14 देखिए गाइस, अफ्रीका महाद्वीप में रेखा है, कल्प रेखा भी गुजरती है, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है, मतलब डी को टिक लगा के चले गए, अफ्रीका महाद्वीप में गैस यहाँ पे बात करें, सभी रेखा गुजरती है यहाँ पे, ये तीनों रेखा गुजरती है यहाँ पे, ठीक है। क्लास जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी 500 ही लग रहा है, बाद में ये बढ़ जाएगा, फिर नहीं बोलिएगा हमें, ये हम कुछ स्टूडेंट के लिए ही खोले क्योंकि स्टार्टिंग टाइम है यहाँ पे। एंड वायुमंडल की जो ऊपरी परत को जो अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एरोलॉजी कहते हैं, या मेट्रोलॉजी, या पैडोलॉजी, या जियोलॉजी, पैडोलॉजी कह जाएंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे बात करें 15,
वायुमंडल की जो ऊपरी परत होते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, एरोलॉजी या मेटोलॉजी या पैडोलॉजी या जियोलॉजी। एरोलॉजी का देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 16 क्वेश्चन रीजनिंग से भी क्वेश्चन हो जाएगा, रीजनिंग का भी आपको सारा वीडियो अपलोड है यहाँ पे। जैसे कि गाय को बछड़ा कहते हैं, गाय के बच्चों को तो बछड़ा ही कहते हैं, वैसे ही बकरी के बच्चा को क्या कहते हैं, बछेरा कहते हैं क्या, जी नहीं, पिल्ली कहते, पिल्ला कहते क्या, जी नहीं, यहाँ पे छोना कहते नहीं, यहाँ पे मेमना कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब कैसे होगा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा तब होगा। यहाँ पे क्वेश्चन 17 देखिए, जो पोशाक है, पोशाक मतलब जो कपड़ा, कपड़ा को सीता कौन है, दर्जी सीता है। तो जो बढ़ई है, अब यहाँ पे क्या होगा, तो बढ़ई अगर हम बात करें जैसे कि लकड़ी वगैरह हो या फर्नीचरिंग का काम कौन करता है, बढ़ई कर रहे हैं। चमड़ा का काम बढ़ई तो करता नहीं है, लकड़ी काम बढ़ई तो करता है, लेकिन यहाँ पे फर्नीचर बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पोशाक मतलब कपड़ा वगैरह का काम, सीने वाले का काम कौन करता है, यहाँ पे दर्जी करते थे। इसी तरफ जो फर्नीचरिंग काम वो बढ़ई करते, सी को टिकला के चले, कपड़ा तो होगा नहीं है पे, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन 18 देखिए, हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 18 क्वेश्चन है, अन्याय शब्द का संधि विच्छेद करें। तो अन्याय प्लस यह है, अन्याय प्लस न है, देखिए अ प्लस अन्याय, ऑप्शन सी को टिकला के चले जाएगा, डी नहीं होगा यहाँ पे। टेक्निकल स्टूडेंट के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे देखिए गाइस क्वेश्चन 19 देखे, चार है, नौ है, 16 है, 25, अब क्या हो गया यहाँ पे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जैसे कि तब हो जाए, जैसे चार है, चार में पाँच जुड़ेगा तो कितना हो गया, नौ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे नौ है, नौ में कितना जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, तो 6 जोड़ दीजिएगा, नहीं 7 जोड़ दीजिए, 16 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले 5 जोड़े, फिर 7 जोड़े, 2 बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना है, 16 है, 16 में कितना जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 16 में कितना, 9 जोड़ दीजिए, 25 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 16 और 9 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 25 है, 25 में कितना, 2 2 का गैप नहीं, 5 2 7 2 9 और 2 11 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 25 11 कितना हो जाएगा, 6 और 3 36, ऑप्शन में क्या सी है, तो सी को टिक ला लीजिए यहाँ पे, है ना। तो ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि 3 है, 6 है, 12 है, 24 है यहाँ पे, मतलब 3 न 6, 6 न 12, 12 न 24, 24 न 48, बेसिक क्वेश्चन, डी को टिक ला लीजिए यहाँ पे, है ना। तो गाइस यहाँ पे हम 20 क्वेश्चन लेके आए, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन हम लेके आते हैं, एग्जाम तक साथ होने वाले, पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए इस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और कूपन कोड जरूर यूज करिएगा, कूपन कोड यूज कीजिएगा गाइस, BSPHCL यूज कीजिएगा, 500 हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ टाइम के लिए ही है, इस कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा, अभी ऑफर में है आप लोग के लिए यहाँ पे, और एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक हम साथ होने वाले, नॉन टेक का सारा कुछ आपको अवेलेबल होगा, मॉक टेस्ट भी हम अवेलेबल करवा देंगे इसी पैसा में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।